पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। नमस्कार, आप देख रहे वज्रपात न्यूज, रोहित चौधरी के संग। भांगा थाना आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका चर्चित चेहरा भांगा थाना अध्यक्ष राहुल प्रसाद है, जिसको थाना क्षेत्र के लोग सिंघम बोल रहे हैं। इतने कम समय में ही भांगा थाना अध्यक्ष राहुल प्रसाद अवैध कारोबारियों, तस्करों तथा गुंडों पर नकेल कसकर विकेट पे विकेट गिरा रहे हैं, जिसे क्षेत्र के लोग का कहना है कि इस बार भांगा थाना अध्यक्ष सिंघम का अवतार लेकर आया है। भांगा थाना अध्यक्ष राहुल प्रसाद के कार्य शैली को देखते हुए नरकटियागंज DSP जयप्रकाश सिंह ने थाना अध्यक्ष को पुरस्कृत करने की बात कही है। उक्त बातें नरकटियागंज DSP जयप्रकाश सिंह ने भांगा थाना में आयोजित जब्त गांजा और चरस का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। DSP ने कहा कि नए भांगा थाना अध्यक्ष द्वारा जनवरी से लगातार 4 बार गांजा के साथ तस्कर को दबोचा। आपको बता दूं कि भांगा पुलिस ने विगत 16 जनवरी को 21 किलो गांजा, 27 फरवरी को 11 किलो गांजा, 7 मार्च को 5 किलो गांजा और 31 मार्च को 2 करोड़ की चरस के साथ एक तस्कर को दबोचा, जिससे अवैध कारोबारियों और तस्करों में काफी खलबली और हड़कंप मची हुई है। थाना अध्यक्ष भांगा अच्छा काम कर रहे हैं, इस बार भी अच्छा काम किए हैं और इनको हम लोग पुरस्कृत करने के लिए हम संसद इस कार्य में भी करेंगे। थैंक यू।